नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर मैं बात करूं F&B सर्विस के बारे में तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट आ जाता है IRD, इन रूम डाइनिंग। इसी IRD के बारे में आज मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे सर IRD में कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे हमारा मेज़ रेडी करना है और गेस्ट को कैसे हम हैंडल करें। तो मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो लेके आ गया हूँ पूरी डिटेल के साथ में। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ। पहला रहेगा व्हाट इज IRD, IRD को समझेंगे, इन रूम डाइनिंग हमारी क्या है, राइट। दूसरा टॉपिक है हमारा SOP, स्टैंडर्ड SOP हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। आप गेस्ट से फोन आता है उसमें किस एक प्रोफेशनल वे में कैसे बात कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। नंबर थर्ड आता है आपके पास कि आपके पास अपसेलिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी सेलिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सजेशन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और नंबर फोर्थ टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे कि आपके नॉन अवेलेबल आइटम को कैसे गेस्ट को हम उसमें हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ आइटम नॉन अवेलेबल है या फिर गेस्ट कुछ आउट ऑफ द मेनू आइटम्स की इंक्वायरी कर रहा है तो आप गेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। और नंबर फाइव रहेगा हमारा कि गेस्ट का ऑर्डर ले लिया तो उसके बाद गेस्ट का हम ऑर्डर कैसे रिपीट करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड SOPs बताऊंगा मैं आप लोगों को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइज, होप यू गाइज डूइंग वेरी वेल। बात करते हैं हम लोग आज हमारे इन रूम डाइनिंग, जो कि एक हमारे F&B सर्विस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, बात करते हैं हमारे व्हाट इज IRD, इन रूम डाइनिंग क्या है। हम बात करते हैं सिंपल सी, अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, ऐसे कोई स्पेशल चैलेंज गेस्ट या फिर कोई ऐसे गेस्ट जो हमारे रेस्टोरेंट में तक आके खाना नहीं खाना चाहते हैं, अपने रूम में ऑर्डर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे होटल्स के द्वारा कि वो अपने रूम में अपना ऑर्डर करके फोन द्वारा अपने रूम में खाना उनके सर्विस की जाती है। वो अपने रूम में से कॉल करेंगे आपको, वहां पर से आपको खाना डायरेक्ट उनके रूम पे सर्विस कर दी जाएगी, राइट, प्लेस कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो हमारे काम की चीज़ है, मैं आपको वो बताऊं, आपके पास मीज़ा रेडी होना चाहिए आपका। मीज़ा मीन्स आपका, अगर आपके पास ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट टाइम पे अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं, 200-400 रूम की प्रॉपर्टी है, वहां पर से डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं, तो आपको पहले से रेडी होना है, प्री प्लान करना है कि हमारे पास इतने ट्रे सेटअप रेडी होने चाहिए, टी सेटअप कैसे लगाना है, रूम डाइनिंग का, वो सब मैं आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके जाऊंगा। बट ये वीडियो मैं आप लोगों को SOPs बताने वाला हूँ, कैसे काम किया जाता है, कैसे करना है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आपके ट्रे रेडी होने चाहिए आपके ऑर्डर के लिए, जैसे आपका ऑर्डर पिकअप हुआ आपने अपनी ट्रे पकड़ी और आप रूम में पहुंच गए। ये है आपका कुछ बहुत ही मेन चीज है आपको कि आपका बैकअप, आपका मीज़ा रेडी होना चाहिए आपके रूम डाइनिंग के सर्विस के टाइम पे। दूसरी बात करते हैं हमारी स्टैंडर्ड SOP ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे, आपकी पूरा डिपेंड रहता है कि आप गेस्ट को कैसे बात करते हैं। गाइज, वी ऑल नो इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मैक्सिमम 3 रिंग्स के अंदर हमारी कॉल पिकअप हो जानी चाहिए, राइट। हम ज़्यादा गेस्ट को वेट नहीं करा सकते और ना करवाना चाहिए, राइट। हमने गेस्ट का कॉल पिकअप किया, पिकअप करने का भी एक स्टैंडर्ड SOP होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, अपना SOP फॉलो कीजिए, राइट। आपका कॉल पिकअप करने का SOP है, आप गेस्ट को पहले आप विश करेंगे, कैसे विश करेंगे, आपके होटल के SOP द्वारा। मोस्टली होटल में नमस्ते बोलते हैं या किसी में हाय बोलेंगे, किसी में टाइम वाइज उनको विश करते हैं, राइट। उसके बाद अपना डिपार्टमेंट का नाम, जैसे आप IRD से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, राइट। उसके बाद आप अपना नाम बोलेंगे। ये जो आपने कॉन्वर्सेशन की है ना, उसका वॉइस क्लियर होनी चाहिए आपके। मैंने बहुत से लोगों को सुना है गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू, वो उसको गेस्ट को समझ ही नहीं आता, वो सोचता है कि यार मैंने इन रूम डाइनिंग में कॉल किया है, खाना मंगाने के लिए ऑर्डर किया है या फायर ब्रिगेड को कॉल किया है, इतने फास्ट बोल रहा है। कि ये आपकी आवाज़ जो है क्लियर होनी चाहिए वार्म एंड प्रोफेशनल वे में। एग्जाम्पल के तौर में देता हूँ मैं आपको, अगर मेरे पास कॉल आया तो मैं उठाऊंगा गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, दिस इज विक्रम, हाउ मे आई असिस्ट यू, राइट, इन दैट वे, राइट, एक प्रोफेशनल वार्म, राइट, कि आप वहां पर उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू, क्या। अब आती है हमारे ऑर्डर लेने की बारी कि आप गेस्ट कुछ बोल रहे हैं अगर उनको, इसमें हमको क्या ध्यान में रखना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और उसके रिक्वेस्ट, इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपने गेस्ट ने जैसे ही बोला क्लियरली नोट डाउन कीजिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए कि गेस्ट क्या बोल रहे हैं, राइट। पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद उसको आंसर दीजिए। जैसे गेस्ट ने बोला मुझे पनीर टिक्का मसाला चाहिए, राइट,
आई वांट टू ऑर्डर वन पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला, उसके गेस्ट की इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे बनाना है उसको, लेस स्पाइसी चाहिए, मोर ग्रेवी चाहिए या लेस पनीर चाहिए, उसको कंप्लीट लिखिए उसके रिक्वेस्ट पे, राइट। ये हो गया आपका कि आपने ऑर्डर लेना है, कोई भी सिक्वेंस वाइज ऑर्डर लीजिए। अगर गेस्ट ऑर्डर दे रहा है डिनर टाइम पे, अगर उसने कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं, तो आप इसमें अपने सजेशन सेलिंग कर सकते हैं, सर वुड यू लाइक टू ट्राई सम बेवरेजेस लाइक बियर विस्की व्हाटएवर, आप इसमें अपनी सजेशन सेलिंग कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि आपको ऑर्डर लेते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका क्लियर होना चाहिए, आपका लॉग बुक में क्लियर लिखा होना चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस, क्या ऑर्डर किया है और उसके रिक्वेस्ट क्या है, उसको कैसे चाहिए वो खाना, राइट। और अगर कुछ उससे, अगर उसको कुछ एलर्जीज हैं, अगर मशरूम से एलर्जी है या फिर डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी है, राइट, तो उसको क्लियर उसमें अपने लॉग बुक में लिखिए, जो कि आप बाद में कॉल कट होने के बाद पूरा ऑर्डर लेने के बाद आपके सेफ को जब आप बोलने जाएंगे तो आप उसको सेफ को और आसानी से समझा पाए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नॉन अवेलेबल आइटम्स। पहला ये चीज ध्यान में रखिए, जैसे आपको गेस्ट ने ऑर्डर दिया, अगर आपको पता है नॉन अवेलेबल आइटम्स, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने गेस्ट से ऑर्डर लिया, आपने सेफ को प्लेस किया, आपने क्यूटी पंच किया, आपने सेफ ने बोला कि ये आइटम अवेलेबल नहीं है, एक तो आपने आपको क्यूटी अवॉइड करनी पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट जाएगा और गेस्ट को अच्छा भी लगेगा कि एक बार यार पहले बता देना चाहिए यार, मैं कुछ और ऑर्डर कर लेता। बेफजूल में गेस्ट का टाइम वेस्ट क्यों करें और हम अपना भी टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आपके पास नोटिस बोर्ड रहता है, लॉग बुक रहता है, जैसे अपने आपकी शिफ्ट फिनिश होती है वहां पर से प्रॉपर हैंडओवर लीजिए कि क्या है अब हमारे पास नॉन अवेलेबल आइटम, क्या अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर हमारे पास डिटेल होनी चाहिए या हमारे पास बाय हार्ट होना चाहिए या हमारे पास नोटिस बोर्ड में लगा होना चाहिए। गेस्ट ने कुछ भी ऑर्डर किया, अगर हमारे पास नॉन अवेलेबल आइटम है, आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट गेस्ट को मना कर सकते हैं। अपना जो ये नहीं है, गेस्ट के पास प्लेस करना, सेफ के पास प्लेस करना ऑर्डर, ये सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी और गेस्ट का भी, राइट। तो आप सब लोग को पता है इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वी कांट से नो टू द गेस्ट, राइट। हम गेस्ट को कभी भी मना नहीं कर सकते, नो नहीं बोल सकते, नो का वर्ड नहीं आना चाहिए, राइट। तो आपको इस प्रोफेशनल वे में वार्म तरीके से कैसे बोलेंगे गेस्ट को कि सर ये आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, इस लाइन को नोट कर लीजिए, क्या बोलेंगे आप, सर या मैम आई एम सॉरी टू से दैट वी आर अनेबल टू मेक दिस डिश फॉर यू। ये लाइन आप रट्टा मार लीजिए जो कि आपको इन फ्यूचर काम आए। और दूसरी बात करते हैं हाउ टू आंसर क्वायरीज अबाउट आउट ऑफ द मेन्यू आइटम, कि आपके पास आउट ऑफ द मेन्यू अगर गेस्ट को कुछ स्पेशल कुछ खाना है या फिर उसके कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है, उसको कैसे आंसर देंगे। फर्स्ट उसमें क्या टॉपिक रहेगा, आपको क्या बोलना है, सर प्लीज बी ऑन द लाइन फॉर व्हाइल आई विल चेक विद द सेफ कि हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं है या पॉसिबल है या नहीं है। अगर सेफ ने हाँ बोला, राइट, कि हाँ हम बना सकते हैं, राइट, सबसे पहले आप अपने टेलीफोन के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे, आपके पास टोन में होनी चाहिए, थैंक्स फॉर होल्डिंग, राइट, थैंक्स फॉर होल्डिंग, सर आवर सेफ इज डेडिकेटेड टू प्रिपेयर पनीर टिक्का, हमारे सेफ बहुत खुश होंगे आपके लिए पनीर टिक्का बना के, राइट। ये आपका हो गया। अगर यहां पर सेफ मना करते हैं कि भाई नहीं हमारे पास तो आइटम पनीर ही नहीं है तो हम पनीर टिक्का बनाएंगे कैसे, तो आपके पास आपको गेस्ट से क्या बोलना है, थैंक्स फॉर होल्डिंग सर मैम आई एम सॉरी वी आर अनेबल टू मेक दिस डिश फॉर यू एट दिस पॉइंट, राइट, हाउएवर वी कैन अरेंज टू हैव इट स्पेशली फॉर यू टुमारो, राइट। और यहां पर आपने ये लाइन बोली तो आपके पास इंस्टेंट में आपका उसके सजेशन में होना चाहिए कि हाँ अगर उसने पनीर टिक्का ड्राई मांग रखा है तो हमारे पास पनीर टिक्का ड्राई नहीं है, तो हम उसके बदले में कोई दूसरा स्टार्टर उसको इंस्टेंट सजेस्ट करना कि सर ये अच्छा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं पनीर टिक्का की जगह, राइट। ये हो गया आपका कि आपने उस गेस्ट को कैसे, ये अगर अवेलेबल आइटम नहीं है कैसे आंसर देना है, और हमारे पास अगर कोई आउट ऑफ इंक्वायरी करता है मेनू से तो आपको कैसे डील करना है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में गेस्ट से। अब आती है आपके ऑर्डर रिपीट करने की बारी, क्योंकि आप गेस्ट ने सारा ऑर्डर बोल दिया है आपको, आप गेस्ट को ऑर्डर रिपीट करेंगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऑर्डर रिपीट क्यों करते हैं हम लोग, कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कि गेस्ट ने जो जो बोल रखा है एक बार गेस्ट को हम दोबारा बोलेंगे, गेस्ट ने यस बोला तो हम हमारा ऑर्डर जो गेस्ट का है उसको आगे प्लेस कर देंगे। मे आई रिपीट योर ऑर्डर सर, गेस्ट ने बोला यस प्लीज, तो आप उनको क्या बोलेंगे, वन पनीर टिक्का मसाला, टू चपातीज, वन दाल, वन राइस, ओके सर। ये बिल्कुल नहीं करना है आपने, आपने क्या करना है, वन पनीर टिक्का मसाला,
लेस स्पाइसी मोर ग्रेवी एंड लेस पनीर सर टू चपातीज विद बटर एंड वन प्लेन राइस वन दाल तड़का लेस स्पाइसी ओके सर ये है एक एसओपी एक प्रोफेशनल वे में आप गेस्ट को कैसे रिपीट करेंगे ऑर्डर अब यहां पर एक और बात आती है ऑन दिस टाइम यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गेस्ट सर आपका इतने टाइम बाद खाना सर्व हो जाएगा सर योर ऑर्डर विल बी सर्व इन 25 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपको उसी टाइम पे गेस्ट को इन्फॉर्म करना है राइट अदरवाइज गेस्ट को 10 मिनट्स कॉल हो जाएंगे 10 मिनट्स बाद सीधे कॉल करेगा मेरा ऑर्डर नहीं आया हाफ एन आवर हो गया एक घंटा हो गया राइट ऐसी जो हमारे पास सुनने को बहुत मिलती है राइट यहां पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर गेस्ट ने मेन कोर्स के साथ डेजर्ट ऑर्डर किया है तो डेजर्ट तो मेन कोर्स के साथ खाएगा नहीं गेस्ट आपने यहां पर पूछना है सर डेजर्ट साथ में चाहिए मेन कोर्स के या बाद में चाहिए हम लोग क्या करते हैं हमारा एक बार काम निपटाना है यार चल ऑर्डर आ गया निपटाओ यार इसको मेन कोर्स सूप और आपका डेजर्ट सब साथ में एक ट्रे में भरा और गेस्ट के टेबल पे गेस्ट के रूम पे हमने डम कर दिया राइट ये नहीं है गेस्ट ले तो लेगा बट वहां पर गेस्ट के मन में होगा यार क्या कैसी सर्विस है इन लोगों की इनको सर्विस करने का तरीका नहीं है और सर्विस करनी आती नहीं है हमने उसी टाइम पे गेस्ट से पूछना है सर आपका डेजर्ट खाने के साथ जाएगा या खाने के बाद जाएगा आपका यहां पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कंप्लीट टेलीफोन रखने से पहले आप क्या बोलेंगे थैंक्स फॉर कॉलिंग इन रूम डाइनिंग राइट यहां पर हो गया आप लोगों का काम फिनिश और सीधे आपने क्यूटी पंच की एक क्यूटी दिया आपने किचन में और दूसरी क्यूटी दिया आपने अपने स्टीवर्ड को कि भाई अपना ट्रे रेडी करो राइट वो अपना ट्रे रेडी करेंगे और जब तक आपका रेडी हो जाएगा खाना आपने आपका खाना प्लेस हो जाएगा रूम पे जितने जल्दी हो सकता है यही था इस वीडियो में इन रूम डाइनिंग में ऑर्डर कैसे लेना है स्टैंडर्ड एसओपी को फॉलो करते हुए आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आप रूम सर्विस कैसे करते हैं आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे रूम सर्विस कैसे करते हैं मैं लाइव डेमो लेके आने की कोशिश करूंगा कोशिश तो मैं बहुत कुछ करते रहता हूं खैर एंड गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज मैं यूट्यूब में कंटिन्यूस नहीं हो पाता बिकॉज ये मेरा पार्ट टाइम है मैं अपना जो टाइम बचता है मेरा खुद का उसमें से निकाल के यूट्यूब को देता हूं तो मेरे को खुद की जॉब करनी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ जीनी है राइट तो उसके लिए सॉरी मैं फिर भी जितना चाहे जितना हो सकता है इसमें कोशिश करता हूं कि आप लोग के साथ रहूं मेरे इतना प्यार बनाने के लिए थैंक यू सो मच दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है अगर आप लोगों को और भी वीडियो देखनी है और भी वीडियो चाहिए इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित जितनी वीडियो चाहिए और जो भी सेफ बनना चाहते हैं मैंने एक स्पेशल इंटरव्यू किया है गोवा के नंबर वन सेफ मिस्टर जेसन फर्नांडिस का अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए मैंने आई हुए कार्ड में उसका लिंक दिया हुआ है आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके फ्यूचर में आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही ये वीडियो अगर आप लोगों का कुछ सुझाव सजेशन है तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ पूछना है पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे फेसबुक पेज पे आके आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मैं आपको डेफिनेटली 110% रिप्लाई देने की कोशिश करता ही हूं मैं सब लोग रिप्लाई देता ही हूं मैं ऐसा किसी को नहीं रिप्लाई नहीं देता हूं इतना ही विश कीजिए कि मैं जल्दी से नई वीडियो लेके आ जाऊं आप लोगों के लिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए ऑर्डर पिकअप करते रहिए थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम अपना ख्याल रखिएगा मिलता हूं नेक्स्ट